हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनक सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमने की है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे फैक्टर थ्योरम से ही रिलेटेड है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड क्वेश्चंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच एक्स माइनस टू इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब अगर एक्स माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल as x minus 2 is factor of polynomial p of x, then now x minus 2 is factor. Factor के बीच में हमेशा negative sign होता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे जब हम class 10th में भी find करेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि x minus something that is the factor जब हम लिखेंगे. So it means then P of 2 that would be equal to 0, right? जो भी फैक्टर होता है हम उसको 0 पे इक्वल रखते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 2. It means P of 2 is equals to 0. Now what is the value of the polynomial? Let's see. X raised to power 4 minus x cube plus 2x square and minus mx plus 4. This is the polynomial. P of 2 that will be equal to 0. जहां जहां पे पॉलिनोमियल में x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे? 2. So 2 raised to power 4 minus 2 power 3 plus 2 into 2 square minus m into 2 plus 4 that will be equal to 0. This is one of the important type of questions. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो इनके नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो 2 रेज टू पावर 4 विल बी 16 माइनस 2 क्यूब 8 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 इज 8 माइनस 2 इनटू m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल हो गए, 16 प्लस 4 20 माइनस 2m इज इक्वल्स टू 0। 2m को हम राइट हैंड साइड लेके गए, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का हो गया। सो 20 बाय 2 दैट इज m। सो m की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 10। तो हमें क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की कौन सी वैल्यू के लिए x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। So for m is equals to 10, this is the factor of given polynomial. Let us move to the next one. Find the value of k for which x minus 1 is the factor of given polynomial. So this is your homework, same like question number 1 ke jaisa hi hai, bilkul. To aap ise karenge. Next one is find the value of p for which this is the factor of this. This is again सेम टाइप, चलो लेकिन यहाँ पे पी भी टर्म्स हैं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? एक्स माइनस 3 और पॉलिनोमियल है पी स्क्वायर एक्स क्यूब। मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल को एफ एक्स से लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी पी है इसलिए, ठीक है। पी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस 3px माइनस p, राइट? एज x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर, अब मैंने पॉलिनोमियल को f ऑफ x से लिखा है, f ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 0। जहां जहां पे x है वहां पे 3 पुट कर दो। p स्क्वायर 3 की पावर 3 माइनस पी इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3p एक्स की जगह पे 3 माइनस पी इक्वल्स टू 0। 3 क्यूब इज 27, 3 3s are 9, 3s are 27 p स्क्वायर माइनस 3 3s are 9p प्लस 3 3s are 9p माइनस पी इज इक्वल्स टू 0। प्लस के 9p माइनस के 9p कैंसिल हो गए, 27p स्क्वायर माइनस p इज इक्वल्स टू 0। टेक p कॉमन,
27p - 1। अब अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है, इट मींस उन दोनों में से कोई एक टर्म तो जीरो होगी, इधर p जीरो होगा और 27p - 1 जीरो होगा। यहां से p की वैल्यू क्या आई, 1 को राइट हैंड साइड ले गए, प्लस का हो गया, p इज 1/27। सो या तो p जीरो के लिए या p 1/27 के लिए ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर x - 3 होगा। क्लियर, चले नेक्स्ट पे। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x प्लस k इज द फैक्टर। ओके, नाउ फैक्टर इज x + k। एज x + k को मैं कैसे लिखूंगी, x - k is factor of given polynomial, therefore p of minus k is equals to 0। This term x minus, हमने कहा ना factor आता है हमेशा, so p of minus k is equals to 0। What is the polynomial px now? x³ + kx² - 2x + k + 4। So this is the polynomial। Now put करते हैं x की value, -k - k³ + kx² - 2x² - 2x की value - k + k + 4 = 0। माइनस की पावर है 3, तो क्या आएगा, ऑड पावर है नेगेटिव टर्म की, -k³। माइनस की पावर इवन, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, k × k² दैट विल बी k³ अगेन, -2k + k + 4 = 0। सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन कैंसल हो गई, 2k + k = 3k + 4 = 0। 4 को हम राइट हैंड साइड लेके गए, -4, सो व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ k एज -4/3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें हम, यस और नो? हां जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। If x + 3 and x - 1 are factors of this polynomial, find a and b. Now there are given two factors, x + 3 and x - 1. x + 3 and x - 1. These are factors. So एक आ गया x of 1 और एक आ गया x = -3. It means p of -3 भी zero होगा और p of 1 भी zero होगा, right? Now what is the polynomial px? Let's see. x³ - ax² - 13x + b. This is the polynomial. This is the question number 5. So p of -3 put कीजिए, -3³ - a × -3² - 13 × -3 + b = 0। And p of 1, x की जगह पे 1 पुट कीजिए, a² - 13 × 1 + b = 0। 1³ - 13 + b, सो क्या इक्वेशन आई, -a + b - k13 + k1 - 12 = 0। राइट, नाउ -3³ विल बी -27, -3² = 9 और बाहर है माइनस, सो -9a - -3 + 13 × 3 = 39 + b = 0। तो यहाँ पे क्या आया, -9a + b, प्लस की टर्म और माइनस की, बड़ी टर्म प्लस की है तो साइन आएगा प्लस का, 9 - 7 = 2, 3 - 2 = 1। अब मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस आ गई, हाउ विल वी सॉल्व दीज इक्वेशंस? आप इनके मेथड्स पढ़ोगे वैसे तो क्लास 10th में, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस ए
प्लस बी माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। टेंथ में आप बहुत सारे मेथड पढ़ोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। माइनस 9a प्लस बी प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दीज इक्वेशन। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस माइनस। ये दोनों टर्म सेम है, प्लस के बी माइनस के बी कैंसल हो जाएगा, इलिमिनेट हो गया बी। क्या बचा? 9 माइनस 1 8 ए माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम हियर। 24 उधर गया, पॉजिटिव हो गया, ए इज 24 बाय 8 दैट इज 3। अब अगर ए की वैल्यू निकल गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूं तो आई कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। माइनस ए प्लस बी माइनस 12 इज जीरो, ए इज 3, सो माइनस 3 प्लस बी माइनस 12, माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15, राइट हैंड साइड जाएगा प्लस के 15, सो ए इज इक्वल्स टू 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 15। तो इन वैल्यूज के लिए x प्लस 3 एंड x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। Clear to all of you? Chale next pe. Okay, let us move to the next question. X plus 1 and x minus 1 are factors of this. Then find the values of P and Q. Chale, let us start. X plus 1 and x minus 1. These are the factors. X plus 1, x minus 1. So x is equals to 1 and minus 1. इट मीन्स गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस वन पे और वन पे जीरो होगी। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। एंड व्हाट इज द पॉलिनोमियल वी हैव, राइट द पॉलिनोमियल पी एक्स क्यूब। ओके, इसमें भी पी की टर्म है तो हम पॉलिनोमियल को एफ से लिख लेते हैं। पी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस क्यू। ओके, आई एम चेंजिंग द साइन फॉर द पॉलिनोमियल, तो मैं पी की जगह यहाँ पे ले लेती हूँ एफ, क्योंकि पी इज ऑलरेडी देयर इन द टर्म्स एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ एक्स। चलिए स्टार्ट करें, पुट करेंगे वैल्यू। पहले माइनस वन, पी ऑफ माइनस वन क्यू प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस वन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, सो माइनस पी प्लस वन माइनस माइनस प्लस टू प्लस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। क्या आया? माइनस पी प्लस क्यू प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द वन इक्वेशन। नाउ लेट अस मूव टू दिस वन, एफ ऑफ वन। So what will be the f of 1? Okay, p 1 cube plus 1 square minus 2 into 1 plus q is equals to 0. 1 cube will be 1 minus 2 plus q. So p plus q minus 2 plus 1 will be minus 1. Now we have these two equations. Write down minus p plus q plus 3 is equals to 0, minus p plus q plus 3, p plus q minus 1. ओके, अब यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टर्म ऑलरेडी सेम है बट विद ऑपोजिट साइन, सो वी विल एड दीज इक्वेशंस। एड करने पे साइन चेंज नहीं करते, तो ये तो कैंसिल हो गया। q plus q is 2q, 3 minus 1 is 2. तो q की वैल्यू क्या आई? 2 को उधर ले गए, माइनस का हो गया माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज माइनस 1। तो q मेरे पास आ गया माइनस 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ q, माइनस p प्लस q प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। माइनस p, q इज माइनस 1 प्लस 3, 3 माइनस 1 इज 2। 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो p आ गया हमारे पास 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, वन से टू मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं. सो देयर इज ओनली वन क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू ऑल. तो आप सब इसे सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड अपनी एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. यहीं पे फिनिश करते हैं इस टॉपिक को. सो बाय बच्चों, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क. एंड इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी. और अगर आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखने हैं तो यू कैन गो टू माय चैनल मैथ्स फॉर क्लास 9. उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. बाय बच्चों, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. बाय.